वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती होने जा रही है। 52 विषयों में 4638 पद हैं। ना परीक्षा होगी ना इंटरव्यू होगा, मेरिट के आधार पर चयन होगा। और आप चले हम इससे आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस भर्ती में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड सारी न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा। किस प्रोसेस कब होगा और इसका प्रोसेस किस तरीके से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। और इसका जो मैं इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस पर क्लिक करके सीधे इस इंटरफेस पर आ सकते हैं। आप देख पा रहे हैं सामने इंटरफेस खुल चुका है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से पोस्ट से निकल कर आ रही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू, डायरेक्ट मेरिट बेस पे सिलेक्शन है। चलिए हम देखते हैं। आप इस साइट पर आ जाएंगे तो यहाँ आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको सामने दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार स्टेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इसका PDF आप डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से पढ़िए और जितना मैं बता सकता हूँ मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसमें आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दीज ऑल आर अ रेगुलर अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट। ये वेबसाइट जहाँ से हम अभी ये लिंक डाउनलोड किए हुए हैं वही वेबसाइट है। आर इन्वाइटेड टिल 5 PM ऑफ 2 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन ओनली, यानी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ऑन द बेसिस ऑफ रिक्विजिशन रिसीव्ड फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू अनेबल कैंडिडेट टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कन्वेंसली एंड विदाउट एनी एरर। एडवर्टाइजमेंट नोटिस डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल गाइडलाइन आर अपलोडेड ऑन बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। ये साइट दी हुई है। बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट केयरफुली गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड नेसेसरी गाइडलाइन फॉर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल कमीशन वेबसाइट। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर अवेलेबल इन द फॉलोइंग पोस्ट। आप देख पा रहे हैं ये यही कह रहे हैं कि इसके अलावा भी एक और डिटेल एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी और इसको फिल करने के लिए। आज 23 तारीख है और 23 तारीख से ही इसकी वैकेंसीज ऑन हुई है। आप आज से ही इसको फिल कर सकते हैं। 2 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। आप सब्जेक्ट दे पा रहे हैं इसमें 52 सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे बड़ी वैकेंसीज आई हुई है। 52 सब्जेक्ट्स बहुत बड़ी बात होती है। और 4638 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी रेगुलर पोस्ट्स, बहुत बड़ी बात है। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ चुकी है आपके सामने। इसको आप फिल कीजिए। सब्जेक्ट देखेंगे अरबिक है 2, इंग्लिश 253, उर्दू 100, पार्शियन 14, मैथिली 43, संस्कृत 76, हिंदी 292, हिस्ट्री 316, इंडियन हिस्ट्री 55, होम साइंस 83, पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड 18, ज्योग्राफी 142, पॉलिटिकल साइंस 280, इकोनॉमिक्स 268, फिलोसफी 135, साइकोलॉजी 424। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज देखिए आप साइकोलॉजी में है। सोशोलॉजी 108, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 12, रूरल इकोनॉमिक्स 8, फिजिक्स 3300 सॉरी केमिस्ट्री 332, बॉटनी 333, मैथमेटिक्स 261, जूलॉजी 285, म्यूजिक 23, बंगला 28, इन्वायरमेंट 104, कॉमर्स 112, साहित्य 31,
व्याकरण 36, ज्योतिष 17, कर्मकांड 5, धर्मशास्त्र 9, पूरण 3, दर्शन 9, अंबेडकर थॉट 4, एंथ्रोपोलॉजी 5, जियोलॉजी 5, गांधीयन थॉट 2, लॉ 15, अंगिका 4, स्टैटिक्स 17, एजुकेशन 10, बायोकेमिस्ट्री 5, रूरल स्टडी 1, इलेक्ट्रॉनिक 12, पाली 22, प्राकृत 10, नेपाली 1, रशियन 4, भोजपुरी 2, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2। टोटल मिला के 4638 पोस्ट हैं। आप इसको डिटेल में इसका देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपको ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें जैसे कि इसमें दिया हुआ है डेट ऑफ स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर 2020, यानी आज से ही रजिस्ट्रेशन ऑन है। लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 नवंबर 2020। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग इन द कमीशन ऑफिस द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डिग्रीज थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट ओनली 24 नवंबर तक। इसका कहने का मतलब यह है कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट 23 सितंबर से हो रही है और 2 नवंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और 24 नवंबर तक आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी हार्ड कॉपी निकाल कर उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर कर स्पीड पोस्ट से आप इनके कार्यालय तक पहुंचाएंगे। इसमें अभी तक यही इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है और इससे आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी और प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन किस तरीके से होगा वो उस पर मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको मिलेगी। इसको फिल करने का तरीका बता दूं, आप इस साइट पे जैसे आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन और ये साइन अप और लिखा हुआ है नॉट रजिस्टर्ड येट और रजिस्टर्ड नाउ। जैसे आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, आप बिहार से बिलोंग करते थे, आपने पहले फिल की हुई है लॉग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप सीधे लॉगिन करके साइन इन कर दीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे देखिए आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही एक इंटरफेस सामने आ जाएगा, उसमें जनरल डिटेल है, उस जनरल डिटेल को आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सामने आ जाएगा, इसको फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन पे जाइएगा, अपनी एप्लीकेशन पूरी सबमिट कीजिएगा और उसके बाद आप 24 नवंबर से पहले स्पीड पोस्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म प्लस ऑल डॉक्यूमेंट उनके कार्यालय पर भेज दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कीप वॉचिंग अवर चैनल, थैंक यू।